एक शब्द साध संगत जी थोड़ा लाइट स्टाइल का कीर्तन सुधारण जहाँ कीर्तन चल पाया है। मैं पता है इस राग के तीजा शब्द हम सुना लगा, माफ करियो पर आनंद बनया है। बहुत ही मरामत है महापुरशा दियाँ बहुत असीसा ने इस पावन पवित्र स्थान पर गुरु पातशाह जी विराजमान ने हाजर नाजर जानना। साध संगत जी नेत्र बंद करके अपने आप को समर्पित करना, जां तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपया जां तेरा बंदा, जां तेरा बंदा, तेरा बंदा, तेरा बंदा, तेरा बंदा, तेरा बंदा, तेरा बंदा, जां तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपया जां तेरा बंदा, जां तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपया जां तेरा बंदा, 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 तेरा बंदा,
जहां तू मेरा बल है ना क्या सुंदर तुझ सब कुछ मैंनो सौंपया जा मेरा बंदा जहां तू मेरा बल है ना क्या सब कुछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा।
आओ गुरु रूप गुरुसवारी साध संगत जीओ। साडा इतक टूर भी थोड़ा शॉर्ट भी हो गया, अज इंडिया दे विच लगभग साडी आखिरी हाजरी है। सानू पंजाब की धरती ते आए नू तकरीबन 3 दिन होए ने, 15 दिन का प्रोग्राम उलीकिया साध संगत जीओ 3 दिन बन गए। थोड़ा जा वायरस का थानू पता है कि हाँ भी जो समस्या बनी पई है, एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं। असी वैनकूवर साध संगत जी कैनेडा विखे हाजिरी भर रहे सी, ते उत्थे गुरमुख प्यारे कथा कर रहे सन, ते उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया कायर हुई फिरती है, पागल हुई फिरती है, आउट एंड अबाउट दौड़े भजे फिरते ने। तुहानू खबरां मिलदियां कि हैंड सैनिटाइजर जां कोई इस तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो कहिंदे अपने जहन दे विच लियाओ श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। सतगुर सच्चे पातशाह जी उन्हां दी ऐसी मेहरामत है, महापुरशां दी ऐसी असीसा ने साध संगत जीओ। जदों हुक्म होवेगा जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। साध संगत जी उस साधे जे बचन ने तुसी सरवण कीते ने। भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी बुलंदपुर वाले, इन्हों दा असी रोम रोम रेणी हाँ। इन्हों दे सदके सानू तिन्हां नू भाई हरनारायण सिंह जी जो कैलगरी रहिंदे ने कैनेडा विच, दास कैलिफोर्निया भाई गुरप्रीत सिंह जी जो असी मजाक दे नाल भी नहीं पर प्यार दे नाल गुरप्रीत सिंह जी बिट्टू जी कहिंदे ने, इन्हां दोवां सिंघां ने बहुत लंबा समा भाई नरेंद्र सिंह जवद्दी कलां वालियां दा साथ दित्ता है, उन्हां तों सिखे ने उस्ताद हरजीत सिंह बिट्टू उन्हां तों भी इन्हां ने सिख्या है तबला। थोड़े सामने आ साध संगत जी बहुत ही मेहरामत है। सतगुर सच्चे पातशाह जी के अगे यही अरदास है कि सच्चे पातशाह जी थोड़े बच्चे इसी तरह आप जी का कीर्तन आप जी का जस गाँवते रहन, भावें असी अपने काम कार करते हैं मुल्क बारे मुल्कों के कीर्तन साडा एक पैशन है, साडा बहुत वड्डा शौक है। भाई बलदेव सिंह जी के सदके गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मेहर की, पहली बारी दासा ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे हाजिरी भरी, उस तो बाद बाबा दीप सिंह जी, उस तो पहला बाबा दीप सिंह जी दे दरबार के हाजिरी भरी शहीदगंज साहब विखे। तो भाई साहब उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो असी वो एक्सपीरियंस किया वो कद असी बयान नहीं कर सकते कि हाँ भी वो कैसा एक आनंद है सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों के कीर्ति करन दा। बहुत बहुत ही आनंद आया, भाई साहब सानू इत्थे भी लैके आए, इत्थे भी प्रोग्राम बनाया, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। मैं आप सारी संगतां दा चरणों का सेवक हैं, आप जी के जोड़े झाड़ के आप जी के जेडे चरणा की जी खाक है वह मैं अपने मस्तक नूं लाना। सच्चे पातशाह जी इसी तरह कृपा करन, आप जी रब्बी रूहां दे वांग दर्शन मेले इसी तरह होंदे रहन। कोई भी भुल चुक की खिमा हुई नहीं साध संगत जी, तुसीं माफ़ करना, असी आप जी के बच्चे हाँ। समाप्ति तो पहला मेरे अति सत्कारयोग भाई बलदेव सिंह जी लुधियाने वाले, वो आप जी शब्द राही निहाल करनगे जी, इतनी कीर्तन की सेवा प्रवान करनी। गज वज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।